ये सिस्टम चूज़ कर लिया है, गाड़ी का सिस्टम है ये कम्प्लीटली नेचुरल है। तो गाड़ी में बैठने से पहले आपने ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। देख मोहम्मद के चश्मे देख तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्त बाब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारा तीसरा दिन है कराची में। आज का प्लानिंग ये है कि आज मैं जा रहा हूँ जैक्सन मार्केट, जो कि कराची के बिल्कुल क्लिफ्टन वाली साइड पे और यहाँ से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ जाके मैंने म्यूज़िक सिस्टम लेने गाड़ी के लिए, तो चलो जाके देखते हैं। बस निकलते हैं, ज़हूर भाई भी तैयार है। ज़हूर भाई ज़ू जैक्सन मार्केट तो निकलते हैं बस। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। नशा चरस नखली जी के अच्छा दोस्तों, तो फाइनली हमने ये सिस्टम चूज़ कर लिया है, गाड़ी का सिस्टम है। तो यहाँ पे स्पीकर्स हैं, सॉरी एम्प है, स्पीकर हैं और एम्पलीफायर है, वूफर है सॉरी। तो इस जैक्सन मार्केट में ये दुकान है भाई का। तो नाम क्या है दुकान का? मेरा नाम है और दुकान का नाम सुल्तान खान सफी इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा अच्छा, केमाड़ी जैक्सन मार्केट में शॉप नंबर 13। ठीक है। और इन्होंने वाकई में बहुत ही मुनासिब कीमत में हमें ये चीज़ दे दी है, तो इसको रखते हैं अभी। उमर इसके बाद कहाँ जाने का प्लान है? इसके बाद यार गर्मी तो सीवाल, सीवाल। चलो निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे आज। तो जगह दरअसल में शॉप्स बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड थे, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ हमने लेना था अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने ले लिया। दोस्तों ये रहा कराची, सनसेट हो रहा है जिस तरह आप देख रहे हैं, माशाल्लाह देखें आप, बहुत मज़े गए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान है। मैं दुबई का टूर भी मैं कर चुका हूँ, माशाल्लाह उसका अपना मज़ा है, लेकिन पाकिस्तान का भी अपना मज़ा है, पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। बाय द वे दोस्तों, दुबई बीच में वहाँ जाके मैं अक्सर देखता था कि वो इतना ज़्यादा गीला नहीं हुआ करता था। दरअसल मैं बाद में मुझे पता चला कि वो एक किस्म का उन्होंने बनाया हुआ है उसको, और ये कम्प्लीटली नेचुरल है। और थोड़ा सा हाँ, ये इधर का जो रेत है उसका भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये देखें आप कि लहरें बहुत दूर दूर तक आते हैं। तो गाड़ी में बैठने से पहले आपने ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। सी व्यू तो हमने एंजॉय कर लिया, देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। तो अभी कहाँ जाने जाएंगे इंशाल्लाह? सी वॉल। मत 11 साल बाद आप आए हो, तो अब मुझे ये बताओ कि किस तरह रहा आपका एक्सपीरियंस? सी व्यू भी आपने देखा, दुबई का भी आपने, वो जो मेरा बीच देखा हुआ था, तो क्या कंपैरिजन है? कंपैरिजन तो बहुत है, लेकिन पाकिस्तान भी काफ़ी डेवलप्ड हुआ है अभी। अच्छा अच्छा, डेवलप्ड अ लॉट। देख मोहम्मद के चश्मे देख तो आपको अंदाजा हो जाएगा, गर्मी नहीं है लेकिन यहाँ पे नमी बहुत ज्यादा है, हवा ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। सी वॉल को नजदीक से जरा देखते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये रहा। वाह जबरदस्त, अल्लाह का कुदरत देखें। ये सी वी यू से जो पानी इवेपोरेट हुआ है उसे ये बादल बन जाते हैं। तो ये आप माशाल्लाह देखें, ये सारे बादल पाकिस्तान के साइड पे जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, अहमदाबाद में, इस्लामाबाद में बारिश होगी इंशाल्लाह। और बेहतर जगह
कंपैरेटिवली। तो ये सी वॉल जो है ये टीएचए के अंदर लोकेटेड है, सामने जो इमार के बिल्डिंग्स हैं, इमार प्रॉपर्टीज़ वालों के बिल्डिंग्स हैं। और ये इस तरह का शानदार मौसम भी है आज। सिंसियरली उमर। दोस्तों बस निकलते हैं अभी घर की तरफ, चलते हैं। आज हमने बहुत घूम फिर लिया, मज़ा आया काफ़ी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज तीसरा दिन था हमारा कराची में, और कल इंशाल्लाह बाकी एक्टिविटीज़ कल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। तो बस अपने भाई को आप इजाज़त दे दें अभी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।